कई किसान भाई ये पूछते हैं कि सर जी क्या वास्तव में 12 घंटे या 24 घंटे में खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसी कि जो मोथा घास है और दूब घास है, सबसे ज्यादा किसान भाइयों को यही परेशान कर रखी है, तो क्या ये भी खत्म की जा सकती है? बिल्कुल खत्म की जा सकती है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आजकल खेती के अंदर किसान भाइयों को जो सबसे ज्यादा समस्या आती है ना, वो आती है खरपतवार को लेकर के। मुझे जितने भी कमेंट मिले उसमें सबसे ज्यादा कमेंट ये आते हैं कि सर जी हमारी फसल में खरपतवार हो गया, हमारी सब्जियों में खरपतवार हो गया, हम खरपतवार का निदान कैसे करें, आखिर कौन सी दवा का स्प्रे करें जिससे हमारी फसल का जो खरपतवार है बिल्कुल नष्ट हो जाए और हमारी फसल पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो किसान भाइयों, खरपतवार को लेकर के जितने भी सवाल हैं आपके दिमाग में, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि आप अगर खरपतवार का निदान करना चाहते हैं तो भाई साहब कौन सा स्प्रे आप कर सकते हैं, स्प्रे करने का समय कौन सा रहना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल नष्ट भी हो सकती है, स्प्रे करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, एक बार स्प्रे करने के बाद में कितने महीने या कितने साल तक आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेगा, आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो मोथा घास है, दूब घास है या कोई भी खरपतवार हो, उसको आप नष्ट कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय बता दें आप। मैं बनवार जी नाडला बाबा कृषि फार्म से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा गाँव गढ़वासी है, तहसील कोट खावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो सर जी, आगे जैसे बरसात शुरू होने वाली है, सबसे ज्यादा किसान भाई चिंतित है खरपतवार को लेकर के। बिल्कुल सर, कह रहे हो आप। लगातार किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर हम हर साल फसल लगाते हैं अपने खेत में, लेकिन खरपतवार इतना हो जाता है कि हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो जाती है, खरपतवार उन पे हावी हो जाता है। तो इस बार हम खरपतवार के लिए पहले से निदान ढूंढ रहे हैं, जैसे ही बरसात होगी हम फसल लगाएंगे तो खरपतवार को नष्ट कैसे करें, तो क्या इसके लिए वास्तव में कोई दवा मौजूद है मार्केट में? बिल्कुल है। अच्छा, दवा हर फसल की अलग अलग दवाइयाँ होती है, कौन सी फसल में कौन सी दवाई देनी है, कितनी डोज देनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि कितनी डोज देनी है अपने को। अच्छा। यदि अपन आवश्यकता से ज्यादा डोज लगा दें या कम लगा दें, आवश्यकता से ज्यादा लगा दें तो फसल पे भी इफेक्ट कर जाती है जी। वो फसल को भी नष्ट कर देती है, तो इसका डोज का बहुत बड़ा महत्व रहता है कि अपने को कौन सी फसल में कौन सी दवाई कितनी डोज देनी है, वो मैं आप सर पूछेंगे, उसके हिसाब से किसान भाइयों में आपको जानकारी दूंगा, और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो मैं प्रैक्टिकली जानकारी देता हूँ, मेरे खुद की, मैं खुद एक फार्मर हूँ और मैं खुद प्रैक्टिकल करके उसके बाद में ही आपको जो जानकारी मेरे द्वारा जारी है वो बाद में देता हूँ मैं जी। कई किसान भाई ये पूछते हैं कि सर जी क्या वास्तव में 12 घंटे या 24 घंटे में खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसी दवाइयाँ मार्केट के अंदर उपलब्ध है जो 12 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर बिल्कुल खरपतवार को जला देगी वो जी। जो मोथा घास है और दूब घास है, सबसे ज्यादा किसान भाइयों को यही परेशान कर रखी है, तो क्या ये भी खत्म की जा सकती है? बिल्कुल खत्म की जा सकती है। साथ ही साथ सर जी, कई किसान भाई सब्जियां लगाते हैं बरसात के टाइम पे, बिल्कुल इतनी ज्यादा खरपतवार हो जाती है कि सब्जियां नहीं हो पाती और खरपतवार हो जाती है, तो क्या सब्जियों में भी स्प्रे कर सकते हैं अपन खरपतवार? बिल्कुल कर सकते हैं, सब्जियों में भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी दवाई भी है जो सब्जियों में स्प्रे करो, सभी सब्जी बच जाएगी अपनी और वो खरपतवार नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले बता दें आप, जैसे चौड़ी पत्ती वाली कोई फसल है, हाँ, और कई फसलें जिसमें सकड़ी पत्ती होती है, बिल्कुल दोनों के लिए आप अलग अलग बताएं। बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने कि खरपतवार दवाई जो लगती है ना वो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के हिसाब से लगती है। जैसे सकड़ी पत्ती है, जैसे बाजरा है, मक्का है, उसके निकुले पत्ते हैं, जैसे गेहूं है, ये निकुली पत्तियां, इनमें चौड़ी पत्ती नहीं आती है। चौड़ी पत्ती वाले को सकड़ी पत्ती वाले अपने स्प्रे करेंगे जैसे मक्के पे, तो सब चौड़ी पत्ती की जो जितने भी खरपतवार है, जैसे बतुआ, बाबरा हुआ और ये साटा हुआ, ये सब चीजें 240 का स्प्रे करो। अच्छा, 240 का स्प्रे करते ही चौड़ी चौड़ी पत्ती की सब खरपतवार चले जाएगी। इसमें जैसे सांव वगैरह हुआ ये नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सकड़ी पत्ती के हैं। सांव हुआ, मोता हुआ, धोबी, ये नहीं जाएंगे। अच्छा, ये चौड़ी पत्ती वाले को खत्म करेगी 240 जी। इसमें कर सकते हो आप प्रयोग। और जैसे अब आप करते हो, जैसे मूंगफली की फसल, उसमें चौड़ी पत्ती है, उसमें आप रगा सुपर भी ले सकते हो, एजिल भी ले सकते हो। इनकी मात्रा है 2-2 ml प्रति लीटर जी।
प्रति लीटर के हिसाब से छिड़कनी है, इसमें कोई ज्यादा नहीं मिलानी, कम नहीं मिलानी। सभी दवा दो एम एल लेनी है प्रति लीटर? नहीं, अलग अलग है जी। देखो ये जो दवाई बताई है ना मैंने, ये तो दो एम एल लेनी है भाई। जैसे कि अपन ने मक्के में स्प्रे किया और उसमें चौड़ी पत्ती खरपतवार ज्यादा है तो अपन 240 ले सकते हैं जी। एक आती है क्लेरिस्ट एक्स्ट्रा, सिजेंटा कंपनी की आती है, वो सभी को खत्म करती है, दोब को भी खत्म करती है, मोती को भी खत्म करती है, सभी को खत्म करती है वो, जितने भी खरपतवार सभी को नष्ट कर देगी, केवल मक्का रखेगी वो। अच्छा, तो वो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो। और किसान भाइयों, बीच में एक साथ में एक बात और बता देना चाह रहा हूं मैं कि कोई भी खरपतवार आप स्प्रे कर रहे हो, उस खरपतवार को आप 10 दिन पहले छोटे से हिस्से में स्प्रे करके देखें हमेशा। क्यों कि आजकल ऐसे ऐसे केमिकल आ गए या कोई एक्सपायर डेट आ गई दवाई की, एक्सपायर डेट आ गई, वो क्या आजकल कंपनी वाले वैसे कर लेते हैं कि पुराने डब्बे में इसे डाल के नए डब्बे में नया लेबल लगा के वो दे देते हैं, तो किसान भाइयों अपने को हानि हो जाती है। मैंने देखा है मेरे जीवन में, एक चीज प्रैक्टिकल करके देखी मैंने। अच्छा, कि मेरे साथ हो गया था ऐसा। तो वो क्या है कि जैसे पुराना या गर्मी में टेम्परेचर के जैसे उसमें वो दवाई खराब हो गई, वो तो वो क्या उल्टा इफेक्ट कर देती है। अच्छा, तो उस जो भी डिब्बा खोले उसको 5 दिन पहले या 10 दिन पहले आप एक छोटे से हिस्से में स्प्रे करके देखें। यदि आपकी फसल सुरक्षित है और चारा खत्म है, खरपतवार खत्म है, तो आप पूरे खेत में स्प्रे कर लेना। आप ऐसे मत करना एक साथ ही पूरे स्प्रे कर दिया साहब, डॉक्टर साहब ने बता दिया अरे अपन तो स्प्रे कर लो, नहीं वो गलत हो जाएगा। कई केमिकल धूप में खराब हो जाते हैं और उसका रिजल्ट अलग हो जाता है फिर। बिल्कुल। तो सर क्या बागवानी में भी खरपतवार को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है बागवानी में। बागवानी में जो आप खरपतवार जैसे दो भी मोता हुआ ये सारी चीजें बागवानी में अपन ले सकते हैं। एक तो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड जी, और एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। सिस्टमेटिक हर्बिसाइड तो क्या है, जड़ से खत्म करती है, किसी भी चीज को जड़ से खत्म करती है। तो इसमें आती है ग्लाइफोसेट। अब ग्लाइफोसेट को अपन बागवानी में स्प्रे करते हैं तो वो खरपतवार तो जाएगी जाएगी, साथ में बरसात होने पे अपन जैसे पानी चलाते हैं उसमें तो अपने पौधे के जड़ तक भी जा सकती है वो। अच्छा। तो अपने पौधे को नष्ट कर सकती है, इसलिए उसको तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। जो पैराक्वाइड है वो मैंने स्प्रे कर भी रखा है अभी, जो पैराक्वाइड है नींबू के वहां में मैंने स्प्रे कर भी रखा, उसका रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है, जहां टच करेगी वो जहां जहां टच करेगी उसी को जलाएगी वो। अच्छा, तो अपन क्या बागवानी में अपने पौधे को बचाते हुए, वैसे तने पे भी लग जाएगी ना स्प्रे तो इतना इफेक्ट नहीं करेगी वो। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं करेगी इतना इफेक्ट। तो आप क्या है कि पौधे की जड़ों के पास में से या बाहर जितने भी खरपतवार है उसको समूल नष्ट कर सकते हो, जला सकते हो उसको, और उसका रिजल्ट 12 घंटे के अंदर आपको दिख जाएगा। अच्छा, 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आप वो जले भी देखोगे, आप उसको बिल्कुल जल जाएगी वो। तो आप इसका पैराक्वाइड का स्प्रे कर सकते हो। पैराक्वाइड की डोज है 150 ml 15 लीटर पानी के अंदर। अच्छा, इसकी डोज 150 ml लेनी है अपने को 15 लीटर पानी के अंदर। सर जी, एक बार जैसे अपन ने स्प्रे कर दिया, बागवानी हो या बाकी फसलें हो, ये खरपतवार को कितने दिन तक नियंत्रित कर लेता है? 30 से 45 दिन तक इसका कंट्रोल रहता है। ये जो फसल जब ये उगेगी तो नीचे से उग के आएगी, ऊपर से तो जल गई समझ लो। अब नीचे से कितना समय लेता है, 30 दिन लेते हैं, 35 दिन लेते हैं, 45 दिन तक खत्म ही रहती है। कई कई खरपतवार तो ऐसी होती है जो समूल ही नष्ट हो जाती है। अच्छा, कि इसमें उग लेंगे ना दोबारा जो ग्रो करेंगे वो केवल दो और मोता काशी कर सकते हैं, बाकी और जैसे सांव हुआ ये वो तो समूल नष्ट ही हो जाते हैं जी। तो दोबारा अगर खरपतवार उगती है तो दोबारा फिर स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और ये दोब घास और मोथा घास भी इसलिए उगेंगे कि दोब घास की जड़ें इनकी गांठें नीचे रहती है, ऐसे मोथा घास की जड़ें है ना वो नीचे रहती है, गांठें रहती है नीचे, जो उसमें से उगल के दोबारा आ जाता है वो। बाकी जिस पे स्प्रे हो गया वो तो जल जाएगा, बाकी नीचे जो गांठें बनी रहती है उसमें से वापस ग्रो हो जाता है वो। क्योंकि ये जो पैराक्वाइड है ना मिट्टी में काम नहीं करती है, जहां मिट्टी टच हुई वहां इसका असर खत्म हुआ जी, ये ऊपर ऊपर ही काम करती है। बिल्कुल। तो सर जैसे किसान भाई सब्जियां लगाता है, सब्जियों में खरपतवार को नष्ट करना चाहता है, तो कौन कौन सी सब्जी में किस दवा का स्प्रे कर सकता है? बिल्कुल, देखो आप लौकी ले सकते हो, करेले ले सकते हो, इसमें आप ले एजिल टर्का सुपर, कोई भी आप ले सकते हो, किसी भी कंपनी की ले सकते हो, मैं कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये आप ले 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के और स्प्रे करो, तुम्हारी खरपतवार खत्म हो जाएगी, सांव भी खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी जो लौकी की फसल है, करेले की फसल है, मिर्ची की फसल है,
इनमें आप ये कर सकते हो स्प्रे। तो सिर्फ जैसे मिर्ची है, भिंडी है, टमाटर है, इनमें भी स्प्रे इसी दवा का? बिल्कुल इसी का होगा। अच्छा, इस तरह का सुपर का होगा। ये पतली जो पतली वाली पत्ती है उसको समूल नष्ट कर देगी। तो इन फसल में इसका कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल कोई असर नहीं होगा इनका। क्या डोज रखें? वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको डोज रखें। सर जी, सबसे ज्यादा किसान भाइयों के क्वेश्चन आते हैं कि सर जी कोई ऐसा स्प्रे नहीं है क्या जो एक बार हम कर दें 2-3 साल तक खरपतवार ही ना होगे? बिल्कुल है सर, ऐसी दवा भी है। अच्छा, वो दवा बता दे रहा हूँ आपको। ग्लाइफोसेट है, राउंड अप है, मीरा 71 है। अच्छा, ये है खरपतवार नाशक, मगर वो क्या है कि वो बीज को ही खत्म कर देती है, दूसरी बात अपने खेत को ही खत्म कर देती है। अच्छा, तो किसान भाइयों भूल के भी ये दवाइयों का प्रयोग कभी नहीं करें, चाहे आपको कोई भी सजेस्ट कर रहा हो ये छड़को वो छड़को, आप क्या नाम बागवानी में स्प्रे करो, ये कभी नहीं करना, क्योंकि ये होती है सिस्टमेटिक, पौधे के सिस्टम में घुस के जड़े खत्म कर देती है। और ये क्या है कि पानी के साथ में काम करते, जो ही नमी आई वापिस एक्टिव हो जाती है। अच्छा, तो कोई भी जैसे बरसात हुई अपने खरपतवार होगी वो अपने आप ही समूल नष्ट हो जाती है। तो साथ में खरपतवार क्या है कि ऑल राउंड खरपतवार खत्म करती है, उसमें आपकी फसल भी आ गई। अच्छा, तो कभी भी किसान भाइयों इसका प्रयोग अपने खेत में नहीं करें, करें इसका प्रयोग जहां अपने को अनचाहे खरपतवार चाहिए नहीं, जैसे ग्राउंड है या कोई अपना कोई सिस्टम लगा हुआ जहां अपन नहीं चाहते हैं, कोई धोब घास या मोटा घास सभी को समूल नष्ट कर देती है, बिल्कुल प्लेन कर देती है जमीन को, और कभी उसमें ग्रो होंगे भी नहीं। अच्छा, 1-2 साल तो होंगे ही नहीं, और हो भी गए तो जो ही बरसात हुई या और कुछ आपकी नमी हुई वो सब खत्म हो जाएंगे। ये रिजल्ट आया था अभी हरियाणा के अंदर, मैंने बनाया था सरसों का वीडियो, तो उन्होंने मेरे को कमेंट्स कर दिए कि सर हमारी सरसों, वो गन्ने की फसल बाते थे, तो गन्ने की फसल में क्या है कि धोब घास और मोटा घास बहुत ज्यादा होती है और इनको नष्ट करने के लिए सिस्टमेटिक हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं वो लोग। अब वो क्या है कि हर साल गन्ना बाते थे, गन्ने में तो कोई परेशानी नहीं है, गन्ने में मक्के में परेशानी नहीं है, मगर जब उन्होंने सरसों उगाई और उनकी सरसों हो गई 5-3 फीट की, और जब उन्होंने फर्स्ट पानी पिलाया और वो सरसों सूख गई। अच्छा, इसलिए किसान भाइयों ये जो सिस्टमेटिक दवाई है ना, इनका कभी भी प्रयोग भूल के मत करा करो, क्योंकि ये खेत को जमीन को बंजर बनाती है। आप करा करो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड जी, जो अपने टच करते ही, जैसे मैंने बताया 2,4-D ये भी कॉन्टेक्ट है, ये बताए पैराक्वाइड ये भी कॉन्टेक्ट, आप जहां जहां कॉन्टेक्ट होगा ना, जहां जहां स्प्रे के संपर्क में जो भी पौधा आएगा वो ही नष्ट होगा जी। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेती किसानी से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।